हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं जेबी से कि आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल में। सुबह के 6 बजे हम लोग सीखेंगे वोकैब, ठीक है। जैसे हम लोग फ्रेजल वर्ब कंटिन्यू कर रहे थे, आज हम लोग फ्रेजल वर्ब हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नए वर्ड्स लेंगे, इडियम एंड फ्रेजल लेंगे। थोड़ा सा आज आपको लाइट का इश्यू मिल सकता है, क्योंकि हम लोगों ने नए ऑफिस में शिफ्ट किया है, तो हम लोग थोड़ा सा अभी अरेंज कर रहे हैं, धीरे धीरे ये सही हो जाएगा। लेकिन देखिए, मतलब थोड़ा सा लाइटिंग का इश्यू है, लेकिन कंटेंट आपको अच्छे से दिखेगा, तो इसका टेंशन मत लो। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जहाँ छोड़ा था उसके बाद हम लोगों ने एफ तक कर लिया था। विल स्टार्ट फ्रॉम एच नाउ, ठीक है। जो पहला हमारा जो थीम है, दैट इज हैंग। तो और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, किसी ने अगर पुराने वीडियोस मिस किए, प्लेलिस्ट में सब कुछ अपडेटेड है, ठीक है, उसको जाके देख लें और वीडियो को हमेशा अंत तक देखिए, ओके। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा आपको कम वर्ड्स दिए थे, इस बार पूरे काफ़ी है कंटेंट, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हैंग है हमारा, हैंग अराउंड हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है आपका टू मूव सस्पिशियसली, फाइन। अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो कि कोई आपके ऊपर शक करे, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग हैंग अराउंड करना। एक और हैंग अराउंड है कि आपने दोस्तों के साथ आपने हैंग अराउंड किया, वो अलग है, क्योंकि वो बहुत इजी है, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। एक और जो मीनिंग है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, वही मैंने लिया है। एक हैंग अराउंड होता है आपने दोस्तों के साथ आपने एक साथ आपने टाइम बिताया, उसने अपने काफ़ी फन किया, उसको बोलेंगे हैंग अराउंड। दूसरा है टू मूव सस्पिशियसली, फाइन। ऐसे मूव करे कि कोई आपके ऊपर शक करे, उसको बोलेंगे हम लोग, जैसे कि सेंटेंस पे लिखा हुआ है, व्हाई डू यू हैंग अराउंड द एग्जामिनेशन हॉल। तुम ऐसे क्यों मूव करते हो, ऐसा लगता है कि तुम कुछ चीटिंग के लिए किसी को हेल्प करोगे, ठीक है, चीट करने में किसी को हेल्प करोगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट हैंग अराउंड। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है, दैट इज हैंग ऑन। हैंग ऑन का मीनिंग है पूरा एग्जैक्टली डिपेंड ऑन, ओके, हैंग ऑन। तो अगर सेंटेंस देखिए, सेंटेंस ऐसा लगता है कि आई डू नॉट लाइक टू हैंग ऑन अदर्स, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ एरर होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, जिसका मीनिंग है आपका डिपेंड ऑन। दैट मीन्स आई डोंट लाइक टू हैंग ऑन अदर्स फॉर माई ब्रेड, कि मैं किसी के ऊपर अपने मतलब खाने के लिए मैं किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहता। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, फाइन। तो आई डोंट लाइक टू बी हैंग ऑन अदर्स, मतलब आई डोंट लाइक टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, या फिर आई डोंट वॉन्ट टू डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है। तो जिसका मीनिंग हो गया आपका डिपेंड ऑन, ओके। आई डोंट लाइक टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर माई ब्रेड, ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास है हैंग ओवर, ठीक है। एक हैंगओवर तो ये होता है कि आपका बहुत अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद हैंगओवर होता है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे हैंगओवर का मीनिंग है किसी चीज़ को पोस्टपोन करना या फिर डिले करना उसको, ओके। पोस्टपोन करना या फिर डिले करना, उसको बोलेंगे हम लोग हैंगओवर। जैसे कि द डिबेट हैज़ बीन हंग ओवर, ओके, हैंग हंग हंग, ठीक है। तो वी थ्री फॉर्म है, द डिबेट हैज़ बीन हंग ओवर, दैट मीन्स द मीटिंग हैज़ बीन हंग ओवर, दैट मीन्स इट हैज़ बीन पोस्टपोन, फाइन। नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास है हैंग अपॉन। हैंग अपॉन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अच्छे से केयरफुली सुनना, उसको बोलते हैं हम लोग हैंग अपॉन। लिसन अटेंटिवली टू समथिंग, लिसन अटेंटिवली टू समथिंग को हम लोग बोलते हैं हैंग अपॉन। जैसे कि सेंटेंस में लिखा हुआ है, द क्राउड हंग अपॉन द स्पीकर्स वर्ड। क्राउड ने क्या किया, बहुत अच्छे से, ठीक है, पूरा ध्यान देके या फिर मन लगा के स्पीकर ने जो बोला उसको अच्छे से सुना, फाइन। तो उसको बोलेंगे हैंग अपॉन, दैट मीन्स व्हाट, टू लिसन अटेंटिवली टू। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हैंग अराउंड का मतलब क्या होगा आपका, टू मूव सस्पिशियसली। व्हाई डू यू हैंग अराउंड द एग्जामिनेशन हॉल। नेक्स्ट इज व्हाट, हैंग ऑन, दैट मींस व्हाट, टू डिपेंड ऑन। आई डू नॉट लाइक टू डिपेंड ऑन अदर्स, या फिर आई डू नॉट लाइक टू हैंग ऑन अदर्स फॉर माय ब्रेड। नेक्स्ट इज व्हाट, हैंग ओवर, दैट मींस पोस्टपोन, द मीटिंग हैज बीन हंग ओवर, या फिर द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन। नेक्स्ट इज व्हाट, हैंग अपॉन, दैट मींस टू लिसन अटेंटिवली टू, जैसे कि लिखा हुआ है, द क्राउड हंग अपॉन द स्पीकर्स वर्ड, बहुत अच्छे से वर्ड्स को सुना। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास जो थीम है, दैट इज होल्ड, ओके, होल्ड। सो दिस इज हाउ यू होल्ड somebody's हैंड्स, करेक्ट, ओके। तो स्टार्ट करेंगे होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना ऐसा, ठीक है, या फिर कंट्रोल में एकदम अपने आप में रखना, उसको बोलेंगे हम लोग होल्ड बैक, ठीक है। होल्ड बैक योर टीयर्स, वो भी है, मतलब उसको रोक के रखो, ऐसा है। या फिर थोड़ा सा मीनिंग ये भी होता है कि कंसील करना, थोड़ा सा उसको हाइड करना, उसको भी बोलेंगे हम लोग होल्ड बैक, ठीक है। डू नॉट होल्ड बैक एनीथिंग फ्रॉम मी, या फिर मेरे से कुछ मत छुपाना, उसको बोलेंगे हम लोग होल्ड बैक, ओके, होल्ड, ओके। डू नॉट होल्ड बैक, मतलब डू नॉट कंसील एनीथिंग फ्रॉम मी, डू नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी, ओके, दैट इज कॉल्ड होल्ड बैक। नेक्स्ट इज व्हाट, होल्ड इन। होल्ड इन का मतलब होता है कि चेक करना या फिर कंट्रोल करना, ओके, कंट्रोल करना, चेक करना, उसको काबू में रखना, उसको बोलते हैं हम लोग होल्ड इन, ओके। होल्ड इन योर टेम्पर, या फिर होल्ड इन योर एंगर, ओके, फिर होल्ड इन योर एक्साइटमेंट। तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ओके, होल्ड इन योर एक्साइटमेंट, ओके, होल्ड इन योर एक्साइटमेंट, उसको बोलेंगे हम लोग होल्ड इन, या फिर चेक करना, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है होल्ड ओवर, ओके। इसका भी मीनिंग आपका, होल्ड ओवर का मतलब होता है आपका पोस्टपोन करना, फाइन, या फिर डिले करना, मतलब, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट करना, ऐसा भी आप बोल सकते हो, आप पोस्टपोन करना, मतलब एट ए लेटर टाइम, फाइन। तो इसका मीनिंग क्या होगा, द डिबेट हैज बीन हेल्ड ओवर, इट हैज बीन होल्ड हेल्ड हेल्ड, है ना, द डिबेट हैज बीन हेल्ड ओवर, दैट मीन्स इट हैज बीन पोस्टपोन।
फ्यूचर में, मतलब और किसी और एक डेट में हम लोग इसको करेंगे, आज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज वर्ड होल्ड विथ। होल्ड विथ का मीनिंग होता है एग्री करना, ओके इसका मीनिंग होता है आपका एग्री करना। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है आई होल्ड यू, आई होल्ड विथ यू इन दिस मैटर, दैट मीन्स आई एग्री विथ यू इन दिस मैटर, या फिर आई एग्री विथ यू ऑन दिस मैटर, ठीक है, आई होल्ड विथ यू इन दिस मैटर, उसको बोलेंगे हम लोग एग्री करना। फाइन, एक बार रिवाइज कर लेते। थीम था हमारा होल्ड, पहला था हमारे पास होल्ड बैक, अपने आप को क्या करना, कंट्रोल में रखना या फिर किसी चीज़ को कंसील करना, उसको बोलेंगे हम लोग सॉरी। तो डू नॉट होल्ड बैक एनीथिंग फ्रॉम मी, डू नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। नेक्स्ट इज वट होल्ड इन, दैट मीन्स वट टू चेक, ओके, होल्ड इन योर टेम्पर, होल्ड इन योर एंगर, होल्ड इन योर एक्साइटमेंट, चेक करना उसको, कंट्रोल में रखना उसको। नेक्स्ट इज वट होल्ड ओवर, दैट मीन्स वट पोस्टपोन करना, द डिबेट हैज बीन हेल्ड ओवर या फिर द मीटिंग हैज बीन हेल्ड ओवर। नेक्स्ट इज वट होल्ड विथ, ओके मतलब एग्री करना, आई होल्ड विथ यू इन दिस मैटर, दैट मीन्स आई एग्री विथ यू। नेक्स्ट इज वट हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारे पास थीम है दैट इज कॉल्ड कीप, ओके कीप, कीप एट, ठीक है। कीप एट का मीनिंग होता है कि स्टिक टू समथिंग, किसी चीज में मतलब लगे रहना, उसको छोड़ ना देना, उसको बोलते हैं हम लोग कीप एट, दैट मीन्स स्टिक टू, स्टिक टू, ठीक है, स्टिक टू। ही इज टू फिकल टू कीप एट एनीथिंग, मतलब इतना फिकल माइंडेड है कि वो किसी एक चीज में टिकता ही नहीं। या फिर कीप एट का मीनिंग आप क्या कर सकते हो, आप टिकना भी कह सकते हो आप, ठीक है, कि चीज में टिकता ही नहीं, ओके कीप एट, दैट मीन्स वट स्टिक टू। फाइन, ही इज टू फिकल टू कीप एट एनीथिंग, मतलब इतना फिकल माइंडेड है किसी एक चीज में वो स्टिक नहीं करता है, फिर टिकता नहीं वो। नेक्स्ट इज वट कीप फ्रॉम, ये भी काफी अच्छा है ये, ओके रिमेंबर दिस, ओके कीप टू मेंटेन सम डिस्टेंस, कीप फ्रॉम का मतलब होता है टू मेंटेन सम डिस्टेंस। जैसे कि हम लोग सेंटेंस में बोलेंगे यहाँ पे यू मस्ट कीप फ्रॉम सच फ्रेंड्स, मतलब यू शुड स्टे अवे फ्रॉम सच फ्रेंड्स, ठीक है, यू शुड मेंटेन सम डिस्टेंस, ओके उसको बोलते हैं हम, उसको बोलेंगे हम लोग कीप फ्रॉम, ओके कीप सम डिस्टेंस, मेंटेन सम डिस्टेंस, या फिर स्टे अलूफ, यू कैन से अलूफ, ALLOF, ओके। तो कीप फ्रॉम मतलब होता है कीप डिस्टेंस, यू मस्ट कीप फ्रॉम सच फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट इज वर्ड हमारे पास क्या है, कीप इन। कीप इन का मतलब होता है आपका कॉन्टिन्यू टू एग्री, कॉन्टिन्यू टू एग्री, उसको बोलते हैं हम लोग कीप इन। जैसे कि आई कैन नॉट कीप इन विथ यू एनी लॉन्गर, दैट मीन्स आई कैन नॉट एग्री विथ यू एनी लॉन्गर, ओके मैं अभी और तुम्हारे साथ एग्री, मतलब ये ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकता मैं अभी, ओके तो कीप इन का मतलब क्या हो गया आपका, कंटिन्यू टू एग्री, दैट मीन्स आई कैन नॉट कीप इन विथ यू एनी लॉन्गर। नेक्स्ट इज वॉट कीप अप विथ, कीप अप विथ आपको पता है, ओके पेस को मेंटेन करना, सपोज क्लास में कुछ चल रहा है टॉपिक, हम लोग बोलते हैं ना कीप, ओके मतलब पूरा पेस आप मेंटेन करो, जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंगली आप चलो, मतलब उस पेस में चलो। फाइन, तो ट्राई टू कीप अप विद द क्लास, मतलब ट्राई टू मेंटेन द पेस, जो टीचर जैसे पढ़ा रहा है, जिस पेस में पढ़ा रहा है उसी मतलब पेस में आप भी अपने आप को मतलब मेंटेन करो। फाइन, तो कीप अप विथ का मतलब होता है कीप पेस विथ, ट्राई टू कीप अप विथ द क्लास, ओके। नेक्स्ट एक और होता है कि आपका कीप अप योर गुड वर्क, ठीक है, उसको कंटिन्यू करो उसको, वो भी होता है कीप अप, ठीक है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते। कीप एट का मीनिंग होता है, हमने क्या पढ़ा था, स्टिक टू, ओके ही इज टू फिकल्ट टू कीप एट एनीथिंग। कीप फ्रॉम का मतलब होता है टू स्टे अवे या फिर मेंटेन सम डिस्टेंस। कीप फ्रॉम, यू मस्ट कीप फ्रॉम सच फ्रेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके कीप फ्रॉम। नेक्स्ट इज वॉट कीप इन, जिसका मीनिंग होता है कंटिन्यू टू एग्री, आई कैन नॉट कीप इन विथ यू एनी लॉन्गर, ओके। नेक्स्ट इज वॉट कीप अप विथ, कीप पेस विथ, ओके ट्राई टू कीप अप विद द क्लास। चलिए नेक्स्ट उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज वॉट नॉक, नेक्स्ट थीम इज नॉक, ओके दिस इज हाउ वी नॉक एट द डोर, ठीक है। नॉक पहला है हमारे पास, नॉक अबाउट, नॉक अबाउट का मतलब होता है कि टू लीड एन अनसेटल लाइफ। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको एन लिख देना यहाँ पे, ओके टू लीड एन अनसेटल लाइफ, ओके ही हैज नो फिक्स प्लेस टू लिव इन, ही नॉक्स अबाउट एट डिफरेंट प्लेसेस। उसका कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है रहने का, वो इधर उधर घूमते रहता है, मतलब ठीक है, मतलब इधर रहता है, कभी आज इधर रहा, कल उधर रहा, ठीक है, इस वीक इधर रहा, नेक्स्ट वीक उधर रहा। तो दैट मीन्स एंड ही लीड्स एन अनसेटल लाइफ, उसको बोलेंगे हम लोग नॉक अबाउट। He has no fixed place to live in. He knocks about at different places. Okay. Next हमारे पास क्या है, knock off. ये भी important है. Okay. Knock off. जिसका meaning है आपका stop work. ठीक है. मतलब आप काम करें, जैसे workers normally क्या होता है, जो timing होता है industry का वो 5 PM बंद हो जाता है. Fine. तो वही यहाँ पे meaning है कि the workers usually knock off at 5 o'clock. ठीक है. They stop their work at 5 o'clock. They stop their work at 5 o'clock. उसको बोलेंगे स्टॉप करना किसी काम को, उसको बोलेंगे हम लोग नॉक ऑफ। फाइन, नॉक आउट, एक तो नॉक आउट होता है आपका कि आपके बॉक्सिंग में होता है, ठीक है, नॉकआउट होता है ना, जिसमें आपको मतलब पंच लगता है, आप गिर जाते हो, फिर मैच खत्म हो जाता है, दैट इज ऑल्सो नॉकआउट। एक नॉकआउट होता है कि आपका ओवरवेल्म्ड,
ठीक है, आई वॉज नॉकड आउट बाय द न्यूज, मतलब उस न्यूज में इतना, या फिर मतलब यू कैन से यू बिकेम सो एक्साइटेड, ओके, इतना अच्छा न्यूज था कि आई वॉज ओवरवेल्म्ड, फाइन, तो आई वॉज नॉकड आउट बाय द न्यूज, ओके, नॉक डाउन भी होता है, ओके. नेक्स्ट इज वट नॉक अप, नॉक अप का मतलब होता है टायर्ड, ही वॉज नॉकड अप आफ्टर द लॉन्ग चेस, दैट मीन्स बहुत किसी को मतलब किसी के पीछे भागा होगा तो उसके बाद वो कैसा फील करने लगे, काफी टायर्ड, ही फील वेरी एग्जॉस्टेड, तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉक अप, टायर्ड, ही वॉज नॉकड अप आफ्टर द लॉन्ग चेस, ओके, नॉकड अप, ओके, आफ्टर द लॉन्ग चेस, ओके. तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं नॉक का. नॉक पहला था हमारे पास नॉक अबाउट, दैट मीन्स वट टू लीड एन अनसेटल लाइफ, ओके, इधर उधर रहना, पर्टिकुलर प्लेस में नहीं रहना, ही हैज नो फिक्स प्लेस टू लिव इन, ही नॉक्स अबाउट एट डिफरेंट प्लेसेस. नेक्स्ट इज वट नॉक ऑफ, दैट मीन्स वट टू स्टॉप वर्क, टू स्टॉप वर्क, उसको बोलेंगे हम लोग नॉक ऑफ, द वर्कर्स यूजुअली नॉक ऑफ, मतलब दे स्टॉप देयर वर्क एट 5 o'clock. नेक्स्ट इज वट नॉक आउट, नॉक आउट का मीनिंग क्या होता है आपका, ओवरवेल्म्ड, ओके, आई वॉज नॉकड आउट बाय द न्यूज, आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द न्यूज. नेक्स्ट इज वट नॉक अप, दैट मीन्स वट टायर्ड फील करना, एग्जॉस्टेड फील करना, ओके, तो ही वॉज नॉकड अप आफ्टर द लॉन्ग चेस, आफ्टर द लॉन्ग चेस, दैट मीन्स ही फील टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग चेस. नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग. नेक्स्ट इज वट ले, नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो है ले, फाइन, तो ले बाय, ले बाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए आप लोग. ले बाय, ले बाय मतलब क्या होता है, टू मतलब फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखना, ओके, फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखना, उसको बोलते हैं हम लोग ले बाय, ठीक है, टू स्टोर समथिंग फॉर फ्यूचर यूज, उसको बोलेंगे हम लोग ले बाय. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ले बाय समथिंग फॉर ओल्ड एज, मतलब सेव समथिंग फॉर ओल्ड एज, उसको बोलेंगे हम लोग ले बाय, ले बाय, ओके, ले बाय समथिंग फॉर ओल्ड एज. नेक्स्ट ले डाउन, ये तो काफी कॉमन है, ये सेक्रीफाइस करना होता है, ओके, ही लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द कंट्री, या फिर द सोल्जर लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द कंट्री, दैट मीन्स वॉट, टू सेक्रीफाइस somebody's life, okay, to sacrifice one's life. Next is what layout, layout मतलब क्या होता है, खर्च कर देना पूरा, okay, खर्च करना, उसको बोल देते हैं layout. एक और layout होता है, मतलब जिसका meaning होता है आपका design, जैसे कि ये जो आपका जो ये जो building बन रहा है उसका layout कैसा है, तो एक layout आपका noun भी होता है, एक phrasal verb जिसका meaning क्या होता है आपका, expend करना, that means खर्च करना, okay. He laid out his all, he laid out his all in business, he laid out his all in business, मतलब जितना पैसा था उसने सब कुछ लगा दिया, उसने सब कुछ खर्च कर दिया उसने, उसको बोलते हैं कि हम लोग ले आउट. नेक्स्ट इज वर्ड ले अप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन में आते हैं कभी कभार ऐसे गैप देके. ही डैश, ही लेड डैश विथ फीवर, ओके, ही लेड अप विथ फीवर, दैट मीन्स ही वॉज कन्फाइंड टू बेड, उसको बुखार हो रहा था तो उसने मतलब वो बेड पे था, ही वॉज बेड रिडन, फाइन, तो उसको बोलेंगे हम लोग ले अप, दैट मीन्स वॉट, कन्फाइंड टू बेड, आई एम लेड अप विथ फीवर, आई एम लेड अप विथ फीवर, ओके, कन्फाइंड टू बेड, ओके, बेड रिडन होना. तो चलिए एक बार जो ले थी मैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ले हमारा पहला वर्ड हमारे पास क्या है, ले बाय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, रिपीटेडली बोल रहा हूं मैं आपको, ले बाय का मीनिंग क्या होता है, टू स्टोर समथिंग फॉर फ्यूचर यूज, ले बाय समथिंग फॉर ओल्ड एज, कुछ बचा के रखो अपने ओल्ड एज के लिए. नेक्स्ट इज वॉट ले डाउन, ये तो काफी कॉमन है, द सोल्जर ले डाउन हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, फाइन. नेक्स्ट इज वॉट ले आउट, इसका मतलब क्या है आपका, एक तो होता है मैंने आपको बोला नाउन, जिसका मतलब डिजाइन होता है, एक होता है आपका खर्च करना, ही लेड आउट हिज ऑल इन बिजनेस, उसने सब कुछ खर्च कर दिया अपने जितने भी उसके कैपिटल थे. नेक्स्ट इज वॉट ले अप, ले अप मतलब क्या होता है, कन्फाइंड टू बेड, ही सॉरी आई एम लेड अप विथ फीवर, ओके. चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट थीम जो हमारे पास है लुक, फाइन, नेक्स्ट थीम हमारे पास है लुक, ओके, ओके. नेक्स्ट एक होता है कि लुक अबाउट, लुक अबाउट का मीनिंग होता है कि सर्च करना, ओके, सर्च करने को हम लोग कहेंगे लुक अबाउट. He is looking about for a house. That means he is searching for a house. Okay. Look about. जिसका meaning क्या होता है आपका? Search करना. To search for something. Searching for लिखा हुआ है यहाँ पे. To search for. He is looking about for a house. That means he is searching a house. Next is what? Look after. Look after का meaning क्या होता है? ये तो काफी common सा है ना. किसी मतलब take care करना. Okay. Take care करना. Okay. He will look after my boy. That means he will take care of my boy. Okay. He will look after my boy. After my boy. That means what? He will take care my boy. टेक केयर ऑफ माई बॉय, ओके. लुक आफ्टर मतलब क्या होता है आपका? टेक केयर. नेक्स्ट इज वॉट लुक इन टू, ये काफी कॉमन है लेकिन ये एग्जामिनेशन में आता भी है बहुत बार. लुक इन टू मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेट करना या फिर फैक्ट्स को फाइंड आउट करना, उसको बोलते हैं हम लोग लुक इन टू, ओके, लुक इन टू. जैसे कि द पुलिस विल लुक इन टू द मैटर, दैट मीन्स द पुलिस विल इन्वेस्टिगेट द मैटर. नेक्स्ट इज वॉट लुक ओवर, ठीक है, लुक ओवर. इसमें दो है, मैं एक आपको लुक ओवर बता देता हूँ. मैं आपको लुक ओवर का मतलब होता है जस्ट एग्जामाइन करना, ठीक है. जैसे कि लिखा हुआ है प्लीज लुक ओवर द एप्लीकेशंस, अगर मैं यहां पे ये लिख दूं लुक थ्रू, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है आपका? टू एग्जामाइन केयरफुली, ओके,
टू एग्जामाइन केयरफुली, इसमें एग्जामाइन ही होगा लेकिन आप क्या करोगे, केयरफुली एग्जामाइन करोगे, ओके, केयरफुली एग्जामाइन करोगे, फाइन, ओके। लुक थ्रू का मतलब होता है पूरा एकदम अच्छे से उसको एग्जामाइन करना, फाइन। तो लुक ओवर का मतलब होता है जस्ट एग्जामाइन, लेकिन लुक थ्रू का मतलब होता है अच्छे से उसको मतलब परखना उसको। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं लुक का। लुक अबाउट डेट मीन्स वर्ड, सर्च करना, ही इज लुकिंग अबाउट फॉर ए हाउस, टेक आफ्टर डेट मीन्स वर्ड, टेक केयर करना, ही विल लुक आफ्टर माई बॉय, ओके, ही विल टेक केयर ऑफ माई बॉय। नेक्स्ट लुक इन टू का मतलब क्या होता है, द पुलिस लुक इन टू द मैटर, दैट मीन्स द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द मैटर। नेक्स्ट इज वर्ड लुक ओवर, दैट मीन्स वर्ड टू एग्जामाइन, ओके, प्लीज लुक ओवर द एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन है उसको एग्जामाइन करो। लुक थ्रू होता है टू एग्जामाइन समथिंग केयरफुली, ओके। चलिए नेक्स्ट मेक, ओके, ये मैंने मेकअप ऐसे उससे लिया है, ओके, मेक, ठीक है। पहला जो मेक से रिलेटेड है मेक अवे विथ, मेक अवे विथ का मीनिंग क्या होता है कि ये चीज को मतलब खत्म कर देना, पूरा ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर देना, उसको बोलते हैं हम लोग मेक अवे विथ, ओके, मेक अवे, जैसे कि ही मेड अवे विथ हिज ओन लाइफ, दैट मीन्स ही डिस्ट्रॉयड हिज ओन लाइफ, ओके, ही मेड अवे विथ हिज ओन लाइफ, दैट मीन्स ये काफी बार आ सकता है, ही मेड अवे लिखा हुआ है, ओके, ही मेड डैश विथ हिज ओन लाइफ, या फिर ही मेड अवे डैश हिज ओन लाइफ, ठीक है, ये प्रेपोजिशन में भी आपके आ सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स वर्ड टू डिस्ट्रॉय कर देना, ही मेड अवे विथ हिज ओन लाइफ, दैट मीन्स वर्ड ही डिस्ट्रॉयड हिज ओन लाइफ। नेक्स्ट इज वर्ड मेक फॉर, ओके, मेक फॉर मतलब किसी को कंट्रीब्यूट करना कहीं पे, ओके, कंट्रीब्यूट करना, उसको बोलेंगे हम लोग मेक फॉर। रेगुलर हैबिट्स मेक फॉर गुड हेल्थ, दैट मीन्स रेगुलर हैबिट्स कंट्रीब्यूट टू गुड हेल्थ, ओके, तो रेगुलर हैबिट्स मेक फॉर गुड हेल्थ, दैट मीन्स वर्ड रेगुलर हैबिट्स कंट्रीब्यूट करता है अपने मतलब गुड हेल्थ के, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ड मेक आउट, मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, एक और मेक आउट होता है आई थिंक दैट यू नो, ओके, अंडरस्टैंड करना, आई कैन नॉट मेक आउट व्हाट यू से, दैट मीन्स आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू से, ओके, तो अंडरस्टैंड करना, दैट मीन्स आई कैन नॉट मेक आउट व्हाट यू से, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू से, फाइन, मेकअप मतलब अंडरस्टैंड करना, ओके, मेकअप मतलब होता है कि डिसाइड करना, ही मेड अप हिज माइंड, ओके, ही उसने डिसाइड कर लिया कि वो ऐसा ही करेगा, तो ही मेड अप हिज माइंड, दैट मीन्स व्हाट, मेकअप मतलब क्या होता है यहाँ पे, डिसाइड करना, ओके, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मेक मेक अवे विथ, इसको ध्यान रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अवे दैट मीन्स व्हाट, टू डिस्ट्रॉय, ही मेड अवे विथ हिज ओन लाइफ। नेक्स्ट इज व्हाट मेक फॉर, दैट मीन्स व्हाट, कंट्रीब्यूट करना, रेगुलर हैबिट्स मेक फॉर गुड हेल्थ, मतलब रेगुलर हैबिट्स रखोगे, अच्छा हैबिट्स, तो कंट्रीब्यूट करेगा आपके अच्छे स्वास्थ्य में, ठीक है। नेक्स्ट मेक आउट करना, दैट मीन्स व्हाट, अंडरस्टैंड करना, ओके, आई कैन नॉट मेक आउट व्हाट यू से, ओके, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू से, ओके, मेक आउट। नेक्स्ट इज व्हाट मेकअप करना, दैट मीन्स व्हाट, डिसाइड करना, ओके, ही मेड अप हिज माइंड, यू कैन से, या फिर ही हैज नॉट येट मेड अप हिज माइंड, दैट मीन्स ही हैज नॉट येट डिसाइडेड, फाइन। चलिए नेक्स्ट थीम को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज हमारे पास है पास, अब हम लोग पी से डिस्कस करेंगे। पास बाय, पास बाय का मतलब होता है आपका इग्नोर करना, फाइन, पास बाय का मतलब होता है ध्यान ना देना, इग्नोर करना, ओके, ही पास बाय माई फॉल्ट, दैट मीन्स ही इग्नोर्ड माई फॉल्ट, ओके, पास बाय का मतलब क्या होता है आपका, इग्नोर करना, ही पास बाय माई फॉल्ट, उसको बोलेंगे हम लोग पास बाय। पास फॉर का मतलब होता है कि रिगार्ड करना, मानना ऐसे, ठीक है, कि ऐसा है, ऐसे उसको मानना, उसको कंसिडर करना, उसको बोलेंगे हम लोग पास फॉर। ही पास्ड फॉर अ रिच मैन देयर, दैट मीन्स ही इज रिगार्डेड एज अ रिच मैन देयर, फाइन, ही पास्ड फॉर अ रिच मैन देयर, दैट मीन्स ही वॉज रिगार्डेड एज अ, ठीक है, ही वॉज रिगार्डेड अ रिच मैन देयर, फाइन, ही पास्ड फॉर अ रिच मैन देयर। नेक्स्ट पास ओवर, दैट मीन्स वॉट, अगेन नेग्लेक्ट करना, फाइन, माई क्लेम वॉज पास्ड ओवर, ओके, My claim was passed over, that means my claim was neglected. उसको मतलब consider किए नहीं उसको। Next is word pass through. Pass through मतलब क्या होता है, experience करना, pass through, उसको बोलेंगे हम लोग experience करना, जैसे कि he passed through great hardship in life, उसने क्या किया लाइफ में, उसने बहुत सारे हार्डशिप उसने फेस किया, फिर एक्सपीरियंस किया, उसको बोलेंगे हम लोग पास थ्रू, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पास, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। पास, ओके, एक पास आपका क्या हो गया, इग्नोर करना, ओके, वन पास इज वर्ड इग्नोर करना, पास बाय दैट मीन्स वर्ड टू इग्नोर, ही पास बाय माई फॉल्ट, दैट मीन्स ही इग्नोर माई फॉल्ट। नेक्स्ट इज वर्ड पास फॉर, दैट मीन्स वर्ड रिगार्ड, ओके, ओके, ही पास फॉर अ रिच मैन देयर, दैट मीन्स ही वॉज रिगार्डेड अ रिच मैन देयर, ही पास फॉर अ रिच मैन देयर, रिगार्ड करना। पास्ड ओवर मतलब होता है नेग्लेक्टेड, फाइन, माई क्लेम वॉज पास्ड ओवर, दैट मीन्स माई क्लेम वॉज नेग्लेक्टेड। नेक्स्ट इज वर्ड पास थ्रू, दैट मीन्स वर्ड एक्सपीरियंस करना, ओके, एक्सपीरियंस करना, ही पास थ्रू ग्रेट हार्डशिप इन लाइफ, ही पास थ्रू ग्रेट हार्डशिप, दैट मीन्स ही एक्सपीरियंसेस, ही एक्सपीरियंस